हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सकीनास क्रिएटिव कुकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए खीर बनाना। तो चलिए, कैसे खीर बनाते हम दिखाते आपको। तो बनाइए। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं खीर। बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनती है। पहले हम चावल को पकाएंगे। तो इसमें हमने दरदरा पीस लिया है चावल को, उसको हम पकाएंगे थोड़ा पानी के साथ। ऐसे दरदरा पीस लिया है, आधा कप चावल को हम दरदरा पीस के पहले पानी में थोड़ा पकाएंगे, उसके बाद दूध में पकाएंगे। और बहुत ही टेस्टी और मजेदार खीर लगता है ये। उसके बाद थोड़ा चीनी जाएगा इसके अंदर। तो हम धीमा आंच पे पहले चावल को पका रहे हैं, उसके बाद हम इसके अंदर दूध डालेंगे और बाद में हम दूध में पकाएंगे। थोड़ा पक जाने के बाद हमने आधा ग्लास पानी दिया है और थोड़ा सा दे रहे हैं, मतलब एक ग्लास जितना पानी में हम चावल पका लिया। आधा कप चावल था, एक ग्लास पानी में हम पका रहे हैं उसको। चावल थोड़ा पक जाएगा, उसके बाद हम उसको दूध डाल के पकाएंगे। ये खीर बहुत ही टेस्टी बनता है। चावल पक रहा है, अभी पक जाने के बाद हम अंदर दूध देंगे। थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद दूध में पकाएंगे बाकी का। ये हमारे चावल पक चुके हैं, अभी हम क्या डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे। एक ग्लास जितना हम दूध दे दिया, अब ये दूध में पकाएंगे। जो बाकी का चावल है वो दूध में पकेगा। इसको कंटिन्यू हमको हिलाना पड़ता है, वरना नीचे में चिपक जाने का डर रहता है। आगे हम इलायची पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही टेस्ट अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा केसर, केसर हम अभी दे देंगे उबाल आने के बाद। अभी हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम को दे रहे हैं थोड़ा सा। खीर बहुत ही टेस्टी और मजेदार इससे बन जाता है। थोड़ा सा हम देंगे केसर। अभी 2 मिनट बाद हम देंगे चीनी। अभी हमने चीनी नहीं दिया है, अब चीनी जाएगा हमारा अंदर। ये हमारा बनके तैयार हो गया है, अंदर चावल भी पक चुका है और बहुत ही टेस्टी और मजेदार लगता है ये। ये पूरी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। 1 चम्मच हम चीनी डाल रहे हैं। आप चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितना मीठा खाते हो वैसे उस हिसाब से आपको अंदर चीनी देना है। ये हमारा रेडी हो चुका है। अभी थोड़ा उसको गाढ़ा करेंगे, उसके बाद हल्का ठंडा होने के बाद हम इलायची देंगे इसके अंदर। ये हमारा खीर बहुत ही टेस्टी और मजेदार बन चुका है। अभी गैस का फ्लेम को हम बंद कर दिया। अभी थोड़ा चख लेते हैं मीठा ठीक ठाक है कि नहीं। आप इसके अंदर एक प्याली हम दिखा रहे हैं, छोटा सा इसमें चीनी जाता है। ये वाला एक प्याली हम चीनी डाल सकते हैं इसमें। फिर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितना मीठा आपको चाहिए उतना आप बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी बन गया है। और इतना आपको गाढ़ा रखना है, ज्यादा पतला करेंगे मजा नहीं आएगा खाने का। देखिए
अभी हम परोस के खाने के लिए परोसेंगे प्याला में। खाने के लिए हम खीर का प्याली भरेंगे। बहुत ही टेस्टी बना हुआ है खीर। इसके ऊपर डालेंगे हम इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से इसका टेस्ट एकदम बढ़ जाता है, बढ़िया हो जाता है। ये हमारा खीर बन के एकदम टेस्टी और मजेदार रेडी हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो आप इस तरह बनाओगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर दबाना। ओके फ्रेंड्स, बाय।